मेरा नाम है नजम अयूब। हमारा ब्लॉग है वो है नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो चले चलते हैं द बिगेस्ट न्यारी हाउस ऑफ कराची। सवाल और ये है कि एक लोग बहुत ज्यादा इस चीज से कंफ्यूज होते हैं, कोई बोलता है ऊंट का गोश्त है, कोई बोलता है इसमें गाय का गोश्त है, तो ये आप ही चीज कंफर्म करें इसमें किसका गोश्त है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है नजम अयूब और आज का जो हमारा ब्लॉग है वो है नेशनल डिश ऑफ पाकिस्तान के बारे में, जो कि है निहारी। और कराची के अंदर निहारी खाने के हमारे पास तीन चार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ मेरी पर्सनल फेवरेट जगह पे। तो चले चलते हैं द बिगेस्ट निहारी हाउस ऑफ कराची। जी तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जावेद न्यारी पर। अच्छा, कराची के जो लोग हैं 90% लोगों ने तो इसका खाना खाया हुआ होगा, लेकिन जो कराची के बाहर रहते हैं, जो दूसरे शहरों में रहते हैं, उनके लिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा, इनका जो ऊपर वाला फ्लोर है ये इन लोगों ने फैमिली के लिए बनाया हुआ है, बहुत बड़ा फैमिली का अरेंजमेंट किया हुआ है। फैमिली को बिठाने के लिए उसका रास्ता भी इनका बैक साइड से होता है। और मेरा इस टाइम पर आने का मकसद कुछ ये है कि इस टाइम के ऊपर यहाँ पे रश थोड़ा कम होता है, जगह मिल जाती है, वरना आप अगर दोपहर में आओगे और रात में आओगे तो आपको वेटिंग के लिए काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चले चलते हैं। मगज पड़े में मगज निहारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई जान, जो नदी निहारी होती है वो कौन सी है? तो ये नदी इन्होंने निकाल के अलग से रखी हुई है, ये नदी निहारी है, ये मगज है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये भाई हमारे लिए जो है स्पेशल निहारी बना रहे। देखें कितना ज़बरदस्त इन्होंने जो है वो गोश्त निकाला है, ये मगज आ गया, ज़बरदस्त। ये नली आ रही है। तो दोस्तों ये देखें, ये भाई ने बहुत दिल से हमारे लिए स्पेशल निहारी बना रखी है। अच्छा, ये इसमें क्या डाला है इन्होंने? ये जो है डबल स्पेशल न्यारी इन्होंने बना कर दी। तो खाना हमारा आ गया है और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्पेशल इन्होंने निहारी बना के दी है। ये जो है ये मगज का पीस है पूरा, ये काफ़ी बड़ी इन्होंने जो मीट का पीस है वो दिया है, और साथ ये नली है, और बहुत ज़्यादा स्पेशल किस्म की निहारी बना के दी है। चलें खाते हैं और ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी है। अच्छा, निहारी खाने से पहले मरहूम आमिर लियाकत ने एक बात बोली थी कि आम और निहारी जो भी तमीज से खाता है वो सबसे बड़ा बदतमीज इंसान है। तो उनकी बात मानते हुए मैं भी निहारी उसी तरीके से खाऊँगा। आउट क्लास, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। नली का टेस्ट अलग से महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अच्छा, अभी रिसेंटली एक बॉलीवुड की फिल्म के अंदर मैंने देखा था, तो उसमें बड़ा अच्छा तरीका बताया था एक निहारी खाने का,
उसमें बताया था कि सबसे पहले रोटी लें, उसमें बोटी को लपेटें, 3 दफ़ा डिप करें और खाएं। दोस्तों जावेद न्यारी के जो ऑनर है उनसे भी थोड़ी देर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अबू बकर जावेद है। अच्छा जावेद साहब, जावेद साहब जो है जो यहाँ के ऑनर है, छोटा ठीक है। अच्छा अबू बकर भाई, तो आप ये बताइएगा कि जावेद न्यारी कब, कितने साल हो गए स्टार्ट हुए? सर देखिए ऑलमोस्ट 40 साल हो गए जावेद न्यारी। माशाल्लाह छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, अलग फजल से और अलग रहमत से यहाँ तक। अच्छा तो इसकी क्या वजह है कि 40 साल हो गए लेकिन टेस्ट आपका अब भी वही है, टेस्ट में कभी कोई चेंजेस नहीं आती? जैसे अपने घर पे लेडीज बनाती है कि अंदाजे से डालती है, यहाँ ऐसा मामला होता नहीं है। यहाँ हर चीज़ वेट होके डलती है, नमक डल रहा है वो तुल के डलता है, वेट होता है उसका, मसाले होते हैं वो वेट होके डलता है, इसलिए जो है ना टेस्ट में डिफरेंस नहीं होता। अच्छा अबू बकर भाई एक सवाल और ये है कि एक लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होता है, कोई बोलता है इसमें जो है वो ऊँट का गोश्त है, कोई बोलता है इसमें गाय का गोश्त है, तो ये आप ही चीज़ कन्फर्म करें इसमें किसका गोश्त है? दोस्त इसमें यहाँ पे भी और जितने भी हमारे यहाँ कराची में और दीगर जगहों पर नहारी के गोश्त की दुकान है, वहाँ पर जो है ना बड़े का गोश्त होता है, भैंस का गोश्त जी। ऊँट तो आप कुछ समझो कि ऊँट में गोश्त निकलता कितना है सही, और ऊँट इतने कट कहाँ रहे हैं कि जो नहारी इतनी बन रही है, तो हर जगह तकरीबन जो है ना वो बड़े का ही गोश्त इस्तेमाल होता है। और एक आखिरी सवाल ये कि जावेद न्यारी एक और वजह से बहुत मशहूर है, वो है आप लोगों के जानवर, तो इसकी जो वजह वो क्या है, वो शौक है? यार एक शुरू से ही शौक है, क्योंकि आपको पता है कराची वाले जो है ना वो कुर्बानी के मामले में बड़ा दिल खोल के कुर्बानी, बिल्कुल, और अगर अल्लाह पाक ने आपको दिया है तो खाली सतन उसकी रजा के लिए आप रियाकारी से बचते हुए अच्छा जानवर लाएं, उसको अल्लाह के लिए कुर्बान करें, तो हमारा भी शुरू से शौक रहा है जानवर। अल्लाह पाक आपके कारोबार में और बरकत दे, बहुत अच्छा जायका है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे खाना खाने का। अच्छा यहाँ पे साथ आपको मीठे में खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, ये देखिए ये रबड़ी है, ये खीर है, तो खाने के बाद यहाँ पे मीठा खाने का भी इंतज़ाम हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर खाना खाने का। हमारे एक बहुत अच्छे कुलीग थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो हमेशा कहा करते थे कि अगर भूख के टाइम पे आपको मतलब का खाना मिल जाए तो पेट को सुकून मिल जाता है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।